बेबी स्मॉल बेबी हेलो हाउ आर यू लगते उदास है बेचारा छोटा सा बच्चा है हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय वॉक्स सो जी आज मैं इधर ही स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसा है कि ईद आ रही है बड़ी और कुर्बानी करनी है तभी हम जा रहे हैं फार्म जो फार्म है तो उधर जाएंगे हमने पहले से भी मतलब कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पर इस तरह हुआ है कि ये फार्म जो है ना तो आप ईद से कुछ दिन पहले आके उस पर जो है ना अपना कोई सिंबल लगा दें जो चीज़ आपको पसंद है फिर ईद के दिन आप आके उसको खुद भी ज़िबा कर सकते हैं या उनसे भी कह सकते हैं वो भी आपके लिए कर सकते हैं तो आज हम जाएँगे और आपको भी दिखाएँगे तो जी पेट्रोल में डलवा दिया और अभी चलते हैं वापस ये नॉर्थ साइड पर हैं काफ़ी दूर है मतलब 40 मीन्स हमने ड्राइव की है अभी हम पहुँचे तो चलिए और आपको दिखाते हम जो है ना फार्म यहाँ का और इंशाल्लाह फिर ईद में भी बड़ा मज़ा आएगा इस बार फाइनली हम पहुंच गए डेस्टिनेशन पे और अभी हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि यहाँ पे इनके साथ क्या क्या चीज़ें भी रास्ते में मैंने देखी मुर्गी भी थी मुर्गी तो वो भी आपको दिखाते हैं सामने मुझे नज़र आ रहे दुम्बे तो लैम तो वो भी आपको दिखाते हैं ज़रा चलिए चलते हैं जी सो गाइस ये देखें ये है भाई ले वाजी वहाँ सो गाइस पापा तो पहले आए थे उन्होंने जो है ना चूज़ किया हुआ है दुम्बा और अभी हम दोबारा आ गए किसी और को भी लेने बहुत ज़्यादा हमने ले लिए काफ़ी मतलब पापा के दोस्तों ने और यहाँ पे मतलब वो भी हैं दुम्बे है बकरी और मेरे पीछे आप देख रहे काओ भी है गैस ये ब्लैक वाला जो देख रहे हैं हमारा है ठीक है जिसको हम जो ना ज़िबा करेंगे 79 बड़ा सा ब्लैक तो गैस हमने 3 दुम्बे लिए हुए ऐसे ही है पहले से अभी एक और बंदा आ रहा है उसके लिए भी लेना है एक दुम्बा हाँ तो हमारा वाला तो बहुत बड़ा है यार सबसे बड़ा हमारा वाला ही है इसमें बहुत गोश्त होगा चल हम इसको बोलते हैं पश्तो में उर्दू में मुझे नहीं पता बाकी मुर्गी है ये सारे आप देख रहे हैं तो इसमें जो है ना कुछ ये घर घराने वाली है जिसको हम बोलते हैं ये घर में पाई जाती है अरे भाई बाप चुप कर बहुत ऊंचा वो बोलता है और ये वाइट जो है ना ये फार्म की होती है फार्म वाली होती है तो वो होती है तो लग रही मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से एक पकड़ के गल लेकर जाऊँ और इसको ज़रा पालते हैं ना बड़ा फिर अंडे भी देगा तो मतलब अब पैसे बचेंगे ये एक अंडा देगा उसको हम भेजेंगे फिर जो है ना दूसरी भेजेंगे फिर सर हमारा जो है ना नसल बढ़ता जाएगा जो एरिया है ये 40 मिनट्स ड्राइव के डिस्टेंस पे हमारे घर से और ये मतलब फार्मिंग एरिया है यहाँ पे जो है ना सारी फार्म्स वगैरह है आप देख सकते हैं
तो सारी मतलब ये फसलें वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उनका ये एरिया है तो कोई मतलब टाउन शॉप या इंडस्ट्रीज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में नॉर्थ साइड पे हैं। तो ये फार्म जो है ना ये है, कोई अरबी है उनके यहाँ, साथ में उनका घर भी है पीछे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बंदा रहता भी है, ये जो है ना अपने जानवर जो है ना पालते भी हैं, साथ में इसके अपने खेत हैं तो वो खेती भी करता है साथ में। और ये एक बंदे का है शायद, और उसने मतलब एक अच्छा आइडिया बनाया हुआ है तो किसने फार्म खोला हुआ है, और ये मतलब मुस्लिम है। और अभी जो हमने दुम्बे लिए हुए हैं तो मतलब इन पे हमने टैग लगाया हुआ है पहले से, ईद पहले से ही हम आए थे यहाँ पे, हमने टैग लगा दिया, हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर हमने ईद के दिन आना है, इनको हमने ज़िबा करना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये लोग ज़िबा करके ये जो है ना बिल्कुल इसका सफाई करके हमें जो है ना पीसेस में दे दे, या हम इसको ख़ुद ज़िबा कर सकते, बाकी ये लोग सफाई कर देंगे और फिर हम घर लेकर जाएंगे। और इसकी जो प्राइस है वो डिपेंड भी करती है कि कितना वेट है उस दुम्बे का, या जो ना बकरी लेनी है या जो भी लेना है तो उसके वेट के मुताबिक आपको प्राइस मिलेगी। जो हमने लिया हुआ है उसकी 390 है, लेकिन अभी शायद जो है ना प्राइस बढ़ जाएँ क्योंकि ईद आ रही है, तो इनको भी मतलब कुछ सेल करना है, उनको प्रॉफिट करना है, तो ये भी कहें। बाकी आ गए हमारे जो है ना फैदा साहब आ गए, तो फैदा मोहम्मद और सरफराज सर जी भी आ गए, तो सरफराज के लिए हमने लेना है दुम्बा। जी सर जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, तो मतलब हमने चार लिए हुए हैं, अभी एक और है पाँच, तो पाँच हो गए भाई, ईद के दिन बड़ा मज़ा आएगा, तो यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह पांच के पांच ही उनको ज़िबा करेंगे। आप लोग भी कमेंट में बताएं आप लोगों ने क्या क्या लिया हुआ ईद के लिए। तो ये सर जी आगे अभी इन्होंने दुम्बा लेना है, तो हम उधर चाह रहे देखते सर जी इनको कौन सी रेट पे इनको मिलता है, जरा देखते हैं हमसे एक्सपेंसिव मिलता है कि नहीं। तो ये भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल दरमियान में हूँ मैं भाई, क्या बचा है मुझे। हबीबी लेट मी शो यू समथिंग, लुक दिस बेबी, स्मॉल बेबी, हेलो हाउ आर यू। लगते उदास ही बेचारा, अब छोटा सा बच्चा है हबीबी, ये हबीबी अब मैंने अपनी छत से बच्चे को उठाया हुआ था मैं, वो एक हबीबी स्टॉप रनिंग, तो मैंने उठा दिया था उसको, क्यूट सा था छोटा सा। तो इन लोगों ने एक सेलेक्ट कर दिया, आपको दिखाता हूँ कौन सा सेलेक्ट किया हुआ time, you know, the female meat is not good for blood pressure patients, and so that's why we are just, you can take your time brother, okay, not a problem, you have some there, you have a chair, no, so do you. तो गाइस अभी हमें जो है ना कोई मिला नहीं, सारे जो है ना फीमेल हैं, मेल उसमें ही नहीं। ये बंदा कह रहा है कि कल और आएगी तो फिर आप लोग कल आके जो है ना सेलेक्ट कर लें, तो अभी हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल मैं आया या ना आया, लेकिन देखते हैं जिन को फिर ले लेना है कोई ना कोई। सारे मतलब सारे जो है ना ज़्यादातर फीमेल ही है, और हमें चाहिए मेल ही चाहिए, दुम्बा चाहिए, तो वो सही रहता है, लेकिन वो है नहीं, तो इंशाल्लाह कल फिर पता चलेगा कि इन लोगों के पास आता है कि नहीं। तो ये बंदा कह रहा है कि कल जो है ना ट्रेलर में जो है ना बाकी शिप्स आएंगी, वो लेट हो गए आज ज़्यादातर, लेकिन लेट हो गया क्योंकि बारिश थी, तो वो स्लिप हो रही थी गाड़ी, तो इसलिए या तो आज रात को पहुँचेगी या फिर जो है ना कल सुबह पहुँच जाएगी। तो फिर आ जाना, आप लोग सेलेक्ट कर लेना क्योंकि काफ़ी अच्छे आने वाले, तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। गैस जो यहाँ पे सारे लगे हुए ना, जितनी भी सारे आप देख रहे हैं, ये सारे सोल्ड हो गए, ये सारे सोल्ड है, इनको मतलब भेज दिया गया, तो ये सारे तो काफ़ी ज़्यादा भेज दिया इसने यार। और ये जो इस साइड पे इसमें भी कुछ मतलब सेल किए हुए और कुछ रहते हैं, तो वही मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले ही है।
जी फाइनली हम पहुंच गए घर वापस, और होप कि आपको व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आए तो काइंडली स्टॉक करें, लाइक भी किया करें, और कभी कभी जो है शेयर और कमेंट सब्सक्राइब भी किया ही करें। तो अभी मैं करता हूँ इस व्लॉग को एंड, थैंक सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, एंड मस्ट डू कमेंट कि आप लोगों ने कौन सा जानवर लिया हुआ है कुर्बानी के लिए। सी यू नेक्स्ट व्लॉग।